ये है लैपटॉप डेल का इंस्पायरोन 15। देखो कितना क्लासी सा लग रहा है, ब्लू कलर में है ये। बारिश रुकी नहीं? रुकी भाई, 3 दिन हो चुके मतलब लगातार बारिश आ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। सो गाइस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा था और अभी 11 बजे हुए हैं रात, मतलब 3:30 बज गए थे एडिटिंग कंप्लीट करने में। और फिर सुबह किसी ने उठाया ही नहीं, और एक तो अंधेरा इतना हो रखा था, बारिश इतनी तेज आ रही थी, वो पता ही नहीं चला 11 बज गए। और अभी जस्ट उठ के ही आया हूँ, सोचा कि व्लॉग शूट करना स्टार्ट करते हैं। और भाई 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, मतलब परसों भी मतलब चल रही थी, मतलब मौसम बहुत ख़राब था। कल भी सुबह से लेकर शाम तक बारिश आई थी, कल भी कहीं घूमना नहीं हो पाया, और आज संडे, आज भी बारिश आ रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि आज भी हम कहीं नहीं जा पाएंगे, तो मैं तो वेट करता हूँ सैटरडे संडे का कि कहीं घूमने को मिलेगा। लेकिन मौसम ही ऐसा हो रखा है कि बारिश का ही कहीं जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ऐसे तो। एंड सुबह और भाभी भी अभी तक वहीं पर हैं, सूर्य के मामा के यहाँ पर, वो भी नहीं आए अभी तक। बारिश इतनी आ रही है, वो कहाँ से आ जाते? तो सूर्य वहाँ मजे कर रहा होगा, जब बारिश रुकेंगे तभी आएंगे वो भी। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा, अभी तो जल्दी मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ पहले तो। और मम्मी इधर जो है क्या कर रही है, पकौड़ियाँ तल रही है आज बारिश में। तो आज बारिश भी आ रही है बाहर, और जो है सौरभ को देनी है क्या? एक सेकंड रुका, भी बताते हैं क्या कह रहा था मैं। तो सौरभ यहाँ पे भाई मस्त पकौड़ियाँ खा रहा है, क्या देख रहा है? मिस्टर बीन देखते हुए। मिस्टर बीन की भाई अलग ही यादें हैं, मतलब बचपन एकदम से रिन्यू हो जाता है बिल्कुल। क्या मजा आता था मिस्टर बीन देखने में, अब तो सब नॉर्मल सा लगता है। चल सही है, देखो। हाँ तो मैं कह रहा था, मम्मी आज सुबह सुबह पकौड़ियाँ तल रही है बारिश के मौसम में, आज प्याज वाली है स्पेशल। कल तो मम्मी ने शादी बनाई थी सूर्य के लिए, तो बारिश में सही मज़ा आएगा भाई, अभी खाएंगे। अच्छा आज गोभी की नहीं बनाई, सिर्फ आलू और प्याज की है और हरी मिर्च की। चलो सही है। मम्मी थोड़ी सी ऐसी सिंपल प्याज की बनाई हो? चलो मज़ा आता है खाली प्याज की खाने में भाई। मोटी मोटी सी प्याज नहीं है मम्मी? अच्छा ऐसे होने से कुछ ऐसा बन जा मोटा सा, ऐसी बनानी क्या? हाँ गुच्छे टाइप की मोटा बना। तो अभी मैं जल्दी से भाके रेडी हो जाता हूँ, तब तक मम्मी पकौड़ियाँ भी रेडी कर देगी और शायद मौसम भी साफ हो जाए। चलो नहा के तो रेडी हो गया मस्त, और मौसम भी भाई एकदम बढ़िया हो गया, अभी धूप निकल चुकी है। मैंने कहा था ना कि अब तक जब तक नहाओ और मौसम भी वो खुल जाए, तो अब सूरज दिखना स्टार्ट हो गया। चलो सही है, पापा पहुँच गए बाहर, बाल भी है, पापा गए तो चारा डाल रहे हैं उधर। चलो मम्मी ब्रेकफास्ट भी लेके आ गई, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा ये देखो, मैं ऐसी बात कर रहा था इस वाली टाइप की प्याज की, काफी बढ़िया लगती है खाने में। लो भाभी भी आ गई, बारिश रुक तो आ लिए। सूर्य कहाँ है बाहर? सूर्य भाभी बंदर आ गया तू? शुभम भी आ गया, बुढ़िया उती हुई है या अभी भी सो रही है? ओए 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 मेरे शूज देखो, नए शूज। ओए गुड़िया के नए नए शूज आ गए भाई, मामा लाए। मामा लाए, अरे वाह बड़े क्यूट है तेरी तरह। तो अभी जस्ट मैं कैफे पर आया था और भाई है ये, इन्होंने नया लैपटॉप खरीदा था, गेमिंग लैपटॉप डेल का, और इसमें गेम चल रहे हैं नहीं अभी, विंडोज 11 है लेटेस्ट। तो डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 2019 गेम था, और शुभम ने डाल तो दिया था लेकिन इंस्टॉल होने के बाद नहीं चल रहा। तो मैं देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, कुछ फाइल्स मिसिंग थी वो डाली है अभी, और डायरेक्ट एक्स का पुराना वर्जन था तो वो चेंज किया है, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। भाई काफ़ी प्रॉब्लम में था, जहाँ से ख़रीदा उन्होंने कुछ करके नहीं दिया, सेटअप का घरा पूरा का पूरा। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी आज नहीं हो पाएगी। इसकी सपोर्ट करने वाली ना बड़ी कोई, विंडोज 11 है ना इसमें, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा। डायरेक्ट एक्स फॉर विंडोज 11, चलो हो तो गई डायरेक्ट एक्स की डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो जब तक डायरेक्ट एक्स डाउनलोड होता है मैं थोड़ा लैपटॉप का ओवरव्यू देता हूँ। ये है लैपटॉप डेल का इंस्पायरोन 15। देखो कितना क्लासी सा लग रहा है, ब्लू कलर में है ये, कलर भी काफी अच्छे लग रहे हैं इसके तो भाई। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है AMD का Ryzen 5 और AMD Radeon के ग्राफिक्स है इसके अंदर, बिल्कुल नया है। कितना का पड़ा भाई तुझे? 55 एग्जैक्ट, ओनली 50। अच्छा ओनली 50 का है, वो खोलियो। और लेटेस्ट विंडो तो मैंने बताई दी थी आप लोगों को, और मतलब गेमिंग लैपटॉप है ये, और लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, जो ये साइड के बेजल्स हैं वो भी काफ़ी कम है भाई, पता ही नहीं चल रहा कि यार बेजल्स, मतलब जैसे मोबाइल होता है ना कम बेजल्स वाला लुक ऐसे लगता है। और वेट लेस भी काफ़ी है, हल्का सही है भाई, देखो कितना पतला सा है। चलो फाइनली डाउनलोड तो हो गया डायरेक्ट एक्स, अभी इंस्टॉल हो रहा है, अब इसे चल जाना चाहिए गेम को।
ये अब इसने द एप्लीकेशन वॉज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली। इसका कान क्यों पकड़ रखा पिलिया का? पिल्ला है पिलिया? पिलिया ही है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना। अच्छा कहाँ है? कहाँ भाग गई? कहाँ गई? आ जा बस 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 बस। मैं गुस्सा हो गया। मैं गेट खोल दे। शोरिया गुड़िया गेट खोलना। मैं क्या हो गया? क्या हो गया? मैकू चलो आओ। हाँ क्या हुआ? ठीक है भाई गलती हो गया। अपने खेलने का बाहर वाले कुत्तों के साथ ठीक है। अपने नहीं खेलने का नहीं खेलने का अगे से नहीं खेलने का ठीक है। मैक चेक कर रहा है किसके साथ खेल के आया हूँ मैं। ये देखो कैसे हाथ बात सूंघ रहा है मेरे। इसे पसंद नहीं है सब कि मैं बाहर वाले कुत्तों के साथ जाके खेलूँ। एकदम से गुस्सा हो गया मैक पूरा। चल ठीक है नहीं खेल नहीं खेल चल जा भाग जा। तो भाई मैंने वैसे काफ़ी कोशिश की थी कि भाई का गेम किसी तरह चला दूँ लेकिन वही है वो विंडो 11 थी और मतलब सारे लेटेस्ट फाइल्स जो हैं मे बी अभी इंटरनेट पे अपलोडेड नहीं है तो वो क्रिकेट का गेम था और वो चल ही नहीं पाया। मैंने काफ़ी कोशिश कर ली डायरेक्ट एक्स का लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर लिया जो भी वो फाइल मिसिंग्स बता रहा था वो भी डाउनलोड कर लिए थे बट स्टिल कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो गेम चला ही नहीं। फिर बाद में वो नई फाइल्स मिसिंग बताने लगा। काफ़ी टाइम लगने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया लेकिन मे बी कुछ टाइम बाद वो गेम चल जाए जब सारी की सारी फाइल्स अवेलेबल होगी ऑनलाइन। तो मैंने फिर यही बोला कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैं तो सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ लेकिन अब नहीं चल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस फिर भाई निराशा के साथ चले गए और हम भी निराशा के साथ घर पे आ गए। लेकिन कोशिश पूरी की थी मैंने भाई कि भाई का गेम किसी तरह चला दूँ। तो अभी मैं हर्ष के घर के बाहर आया था। अभी फ़ोन करते हैं उसे बुलाते हैं हर्ष को क्योंकि अजीब सा लगता है आवाज़ मारने में ना। पहले तो क्या होता था घर पे जाते थे किसी दोस्त के और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू कर देते थे लेकिन अब फ़ोन ही करना सही लगता है। चलो फ़ोन करता हूँ पहले ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी फ़ोन तो कर दिया है आ ही रहा होगा रेडी हो रहा होगा क्योंकि कहीं चलते हैं मौसम बहुत अच्छा हो रखा है ना तो घूम के आते हैं थोड़ा बहुत कहीं। मेरा घर पे मन भी नहीं लग रहा था संडे वैसे है कुछ करने को होता नहीं तो ऑफिस वर्क करते रहता हूँ तो मन लगा रहता है थोड़ा सा। आ गया ब्रो पूरे रेडी होके आ गया शूज़ वूज़ पहन के सही है ठंड बहुत रखी है ना शूज़ वूज़ बहुत ज़रूरी है। चलो चलते हैं। बर्फ तो चला गया था कल ये मेरा मन था उससे मिलने का जाने से पहले लेकिन वो निकल चुका था कार में बैठ चुका था। मैंने फ़ोन भी किया था कि अभी यहीं आ गया तो लेकिन वो कह रहा भाई निकल चुका। मैं चलो कोई नहीं फिर तो तुझसे जो है मतलब 5-6 मिनट रख जाएंगे उस आने में है ना जून जुलाई लगभग। ये चिड़िया आगे जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही क्योंकि ये अपोजिट में उड़ने की कोशिश कर रही है। हवा इधर की है उल्टी साइड की है इधर को जा रही है हवा और ये उधर जाने की कोशिश कर रही है तो ये बिल्कुल नहीं जा पा रही भाई एक जगह स्टे कर रही है। अब जाने लगी अब जा रही है। मिलो टाइगर से पिटबुल ब्रीड टाइगर भाई पूरा मजे कर रहा है तो सही है। हाँ क्या हुआ भाई कितने महीने का ये 5 महीने का 3 महीने का ये तो सही है यार पूरे जोर लगा रहा भाई साहब। हाँ आ जा गो भाई पूरा दम लगा रहा है ये नहीं मान रहा भाई बस छोड़ दे अब छोड़ने को तैयार नहीं बिल्कुल भी। अब मैंने पकड़ लिया अब खींचना स्टार्ट बस थका देगा तू तो ले भाई पकड़ ये तो मुझे थका देगा नहीं तो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा बिल्कुल ये तो सही है भाई जितना भी खेल लो करो तो ठीक है अभी एक्टिव हो जाएगा नहीं तो फिर बाद में जो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेजी। कोई भी पिल्ला मिल जाओ भाई बहुत मज़ा आता है सच में खेलने में ना। फेंक दी क्या रस्सी उठा के ला रहा है आ जा टाइगर मेरे पास आ
मेरे पास आ ऐसे मेरे साथ ही खेलने में मजा आ रहा है। छोड़, ये तो बिल्कुल मैक की तरह वो है जिद्दी, देखो आ जा छोड़। मुझे सब पिल्लों में मैक दिखाई देता है, कहीं भी मिल जाओ मजा आता है पूरा। बस आज ही खेलेगा सारा, ले भाई ले जा, बहुत देर हो गई यार, ये तो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा, झटके मार रहा है पूरे, अभी भी कूद तो बजा रहा है। देखो कितनी ऊँची ऊँची छलांग मार रहा है। अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, हम भी निकलते हैं अभी, और चीरती हुई जा रही है भाई भाई कानों को, बहुत तगड़े वाली, बहुत ठंडी हवा है भाई, मजा आ रहा है। पर बाय, मिलते हैं। अरे वाह, मम्मी अंगीठी चला रही है, घर पे आती हाथ सेकने को मिलेंगे, बढ़िया। ये सोरे की अभी डाल रखी इसमें, इसका क्या मतलब है, इसने सोरे डाल ली होगी, खराब होगी ये, मैं इसके लिए मथुरा से लेके आया था और तूने इसमें डाल दी है भी बंदर, खराब होगी ये तो बजी नहीं रही यार, तूने खराब कर दी होगी, ये कह रहा है इसमें डाल दूं, मैं डाल दूं, गंदी बात, ऐसा नहीं करते क्या, बचती नहीं अभी, मना कर रहा था, बचती नहीं अभी, अभी तो धुआं रहा है बहुत। हाँ तो बस जाऊं थोड़ी देर के लिए, चलो आज तो ठंडी बहुत है। कैसे डाल रहा बंदर, थाके डाल, सॉरी थाके डाल, आके सूंघ रहा है पहले तो, मुझे इसे पता चल गया कि मैं खेल के आया किसी के साथ, ये देख आते ही चेक कर रहा है, ज़्यादा तेज हो गया मैं, चले आ जा, मैं ना खेलता तेरे साथ, गंदा खेलता तो है नहीं तू, मैं ना खेलता तेरे साथ, मैं ना खेलता, चले आ जा, भाग जा, मैं नहीं खेलता, हट जा, हट जा, हट जा, नहीं धुआं हो जाएगा अंदर तो, हाँ बाहर तो धुआं नहीं है लेकिन अंदर धुआं हो जाएगा लकड़ी की वजह से। मज़ा आ रहा है, हाथ सेक रहे हैं बढ़िया। इतनी गर्माई आ रही है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। क्या करी मैं, तो गाइस अभी फिलहाल करते हैं डिनर, और आज डिनर में है देखो, काफ़ी दिनों बाद खाने वाला हूँ मैं, मतलब ये है खिचड़ी मटर वाली, तो मुझे वैसे पसंद नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ डिनर में, तो फिर मैंने सोचा कि क्या मम्मी को परेशान करूँ और दूसरी सब्ज़ी बनवाऊँ फिर, तो मैंने सोचा खा लेते हैं, लेकिन दही कंपलसरी चाहिए फिर। दही के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर तो खाई नहीं जाएगी मुझसे, तो भाई जल्दी से डिनर कर लेते हैं फिर अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट और टाइम हो चुका है 11:56, तो अभी फिलहाल ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, एंड आई होप कि आप लोग पास ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग पास ब्लॉग कैसा लगा, तो आप लोग से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।